नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा के मुख्य जो हाईलाइट है वो हम देखेंगे कि जो पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एरिया में जो हमारा लू चल रही है उसकी स्थिति के बारे में हम जानेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान बिपार जोए बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कैसे आगे बढ़ेगा वो भी देखेंगे। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व वेदर की बात करें तो कल यानी कि 8 जून को हमें ओलावृष्टि जो है हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पर देखने को मिली है। वहीं पर जो भारी वर्षा है वो उत्तर पूर्वी राज्यों के सिक्किम में, आसाम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिली है। दक्षिणी प्रायद्वीप में हमें तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा और वहीं पर अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम हीट वेव यानी कि लू चलने की बात करें तो जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं वो सारे क्षेत्र हमने पीले कलर से दर्शाए हैं जहां पे लू चल रही थी। तो पूर्वी भारत के अनेक स्थानों में, उसके साथ ही जो है बिहार के खास करके अनेक स्थानों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के भी कुछ एक स्थानों पर लू चलती हुई हमें दिखाई दी है। अगर हम मानसून की बात करें तो कल हमारा मानसून 8 जून को केरल के तट पे पहुंचा था। आज यानी कि 9 जून को मानसून में कोई और आगे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन अगले आने वाले 24 घंटों में यानी कि 10 जून तक ये जो मानसून है वो हमारा अरब सागर का जो मध्य भाग है वहां पे तक पहुंचेगा। उसके साथ ही केरल के बचे हुए हिस्से को कवर कर लेगा। केरल के बचे हुए हिस्से के साथ ही कर्नाटक के कुछ एक हिस्से को, तमिलनाडु के कुछ एक हिस्से को भी कवर करेगा और बंगाल की खाड़ी के और आगे बढ़ेगा। उसी के साथ अगले 24 घंटे में ये जो हमारा मानसून है वो उत्तर पूर्वी राज्यों के भी कुछ एक स्थानों तक पहुंच जाएगा। और उसके अगले दो दिनों में यानी कि 12 जून तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश स्थानों को कवर कर लेगा और जो हमारा सिक्किम का एरिया है वहां तक भी 12 जून तक मानसून के पहुँचने की संभावना है। ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है ये हमें दर्शाता है कि मानसून अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, और जो ये रेड कलर का जो लाइन्स हैं ये दर्शाता है कि मानसून कैसे आगे बढ़ता है भारत के ऊपर। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे, मध्य भारत के अनेक स्थानों में, दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक स्थानों पे देखा गया है, जो कि डार्क रेड कलर से दर्शाया गया है। उसके साथ ही जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का कुछ एक हिस्सा है या उत्तर पूर्वी राज्य है, पश्चिमी भारत का कुछ एक हिस्सा है, वहां पे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्ज किया गया है। और अगले आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कहीं पे भी बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा एक अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपार जोए बना हुआ है, जो कि हम इस सैटेलाइट पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे आगे मूव कर रहा है। वहीं पर अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में कल उत्तर पूर्व मध्य जो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, उसके प्रभाव में आज सुबह वहां पे एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है उसकी वजह से हम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बहुत ज़्यादा क्लाउड कन्वेक्शंस वगैरह देख सकते हैं। ये कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे के अंदर और ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। उत्तरी भारत में एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी भी उत्तराखंड के ऊपर देखा जा सकता है। वहीं पे हमारा पूर्वी भारत में जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है वहां पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वी भारत में भी बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा भी है जो कि पूर्वी बिहार से लेकर के लगभग उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अगर हम इस सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगले 5 दिनों के मौसम की बात करें तो हमारा मुख्य जो वेदर है वो इस समय हीट वेव चल रही है पूर्वी भारत के ऊपर। हीट वेव चलने की वजह से हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग उत्तर पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों में अगले 5 दिनों के लिए दिया हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बिहार के अनेक स्थानों पे, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 4 दिनों तक जो है वहाँ पर हीट वेव यानी कि लू की स्थिति बनी रहेगी। 13 जून को भी वहाँ पे लू चलने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन झारखंड में और उड़ीसा में हीट वेव से यानी कि लू से हमें कुछ राहत मिलेगी 13 जून को। उसके साथ ही जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक, और उसके अलावा जो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कुछ एक एरिया है वहाँ पे भी हमें लू अगले 3 से 4 दिन देखने को मिलेगी। अगर हम बारिश की बात करें तो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर, साथ ही जो भारी वर्षा है वो हमें
केरल में, लक्षद्वीप में और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से और कर्नाटक के तटीय हिस्से में अगले 3 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। हालांकि हल्की से मध्यम वर्षा अगले 5 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। उसी तरीके से अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा अगले 5 दिनों तक अनेक स्थानों पर हमें मिलती रहेगी। भारी वर्षा जो है वो हमारा मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिनों यानी कि 9 और 10 जून को देखने को मिलेगी। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय की अगर हम बात करें तो वहाँ भारी वर्षा जो है हमें अगले 5 दिन लगातार देखने को मिलती रहेगी। मध्य भारत का जो हमारा हिस्सा है या उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है या पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है वहाँ पर कोई भी विशेष वेदर यानी कि बहुत ही सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि एक आध स्थानों पर छुटपुट वर्षा और उसके साथ ही एक आध स्थानों पर थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। मौसम अगर उसी के साथ अगर हम चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय की बात करें तो सैटेलाइट पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि अरब सागर में ये चक्रवाती तूफान बना हुआ है और ये जो चक्रवाती तूफान है लगभग उत्तर पूर्व दिशा में 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आज सुबह ये चक्रवाती तूफान था वो लगभग 800 किलोमीटर गोवा से दूर था, वहीं पे 820 किलोमीटर जो था वो मुंबई से दूरी पे है। और अगर हम पोरबंदर से देखें तो ये पोरबंदर से 830 किलोमीटर दूर है और वहीं पे कराची से ये 1120 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। इस ट्रैक में भी हम देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक कलर का लाइन है ये हमें दर्शाता है ये चक्रवाती तूफान अभी तक कैसे आगे बढ़ा है, और ये लाल कलर का जो लाइन है ये हमें दिखाता है कि चक्रवाती तूफान अरब सागर में कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अभी जो है आज सुबह जो है चक्रवाती तूफान की वजह से जो हवाओं की गति है लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है वहाँ पे हवाएं, और आगे आने वाले 36 घंटों तक यानी कि कल शाम तक ये चक्रवाती तूफान और ज़्यादा मजबूत होगा। कल शाम होते होते इसमें हवाओं की गति जो है लगभग 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जाएंगी। कल शाम के बाद से इसमें हवाओं की गति में कमी देखी जाएगी। अगर हम इसके आगे बढ़ने की बात करें तो ये चक्रवाती तूफान अगले लगभग 48 घंटों तक जो है थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 48 घंटे के बाद उसमें से थोड़ा रिकर्वेचर होगा, जैसा कि हम ये रेड कलर की लाइन में देख पा रहे हैं ये वापस उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ेगा और उत्तरी अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा। इस चक्रवाती तूफान के चलते अगर हम अरब सागर की बात करें तो वहाँ पे अगले खास करके ये 2 दिन है अरब सागर का जो मध्य भाग है वहाँ पे हवाओं की गति 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलती रहेगी, जैसा कि हम इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे हवाओं की गति लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे अगले दोनों ही दिन हमें देखने को मिलेगी। 11 मई से जो हमारा अरब सागर का मध्य भाग है वहां पे हवाओं की गति में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हमारा चक्रवाती तूफान थोड़ा कमजोर पड़ना चालू हो जाएगा 11 मई से। 11 मई, 12 मई और 13 मई तीनों ही दिन हवाओं की जो गति है वहां पे लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे मध्य अरब सागर में देखने को मिलेगी। और उसके जो आसपास का क्षेत्र है जो कि हमने ब्लू और ग्रीन कलर से दिखाया है वहां पे हवाओं की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे चलती रहेगी। इसलिए हम अपने फिशरमैन भाइयों को एडवाइस करते हैं कि वो मध्य अरब सागर उससे लगा हुआ जो पूर्वी अरब सागर है या उत्तरी अरब सागर है और खास करके उत्तर पश्चिम अरब सागर है वहां पे अगले 5 दिनों तक उनको नहीं जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें वहां पे कम दबाव के क्षेत्र के चलते उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के भी कुछ एक स्थानों पर हवाओं की गति जो है वो लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी, जिसको कि हमने ग्रे कलर से दिखाया है। इसलिए मछुआरों भाइयों को बंगाल की खाड़ी के भी इन स्थानों में अगले 5 दिनों तक नहीं जाना चाहिए। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसी के साथ हमारे YouTube चैनल, Facebook और Twitter पे हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।